2008, वक्त शाम के 7 बजे, स्थान राजधानी जयपुर। ये वो दिन है जिसे राजधानी के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। इस दिन के साथ जयपुर की कुछ ऐसी कड़वी यादें जुड़ी जिन्हें याद कर आज भी हर कोई सहम जाता है। साल 2008 में आज ही के दिन जयपुर में सिलसिलेवार 8 बम धमाके हुए। आतंकवादियों ने जयपुर के दिल यानी चार दीवारी में 13 मई 2008 के दिन हमला करते हुए जयपुर को छलनी कर दिया। ब्लास्ट के चश्मदीद इसके बाद के मंजर को याद करते हैं और सिहर जाते हैं। इस ब्लास्ट के 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन फांसी पर लटकाया नहीं गया। ऐसे में जयपुरवासी इंसाफ मिलने का इंतजार आज भी कर रहे हैं। दहशतगर्दों द्वारा अंजाम दी गई नापाक हरकत को आज पूरे 12 साल हो गए हैं। आतंकवादियों ने जयपुर की चार दीवारी पर हमला कर उसे छलनी छलनी कर दिया था। पधारो मारे देश के परंपरा का निर्वहन करने वाले जयपुर को इन बिन बुलाए मेहमानों ने ऐसा दर्द दिया जिसे आज भी भुला पाना मुश्किल है। इंसानियत को शर्मसार करने वाले इन दहशतगर्दों की नफरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने पहला निशाना भगवान के भक्तों को बनाया। पहला ब्लास्ट सांगानेरी गेट स्थित हनुमान मंदिर के बाहर हुआ। मंदिर के बाहर खड़े 14 से ज्यादा लोगों की मौके पर मौत हो गई। हालांकि संतोष की बात यह रही कि मंदिर के अंदर मौजूद सभी भक्त सुरक्षित थे। उसके बाद बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, छोटी चौपड़, मानक चौक पुलिस स्टेशन, कोतवाली इलाका और त्रिपोलिया बाजार में सिलसिलेवार धमाके हुए। एक के बाद एक हुए इन बम धमाकों में 71 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो वहीं 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस सीरियल बम ब्लास्ट के 4 गुनहगारों को विशेष न्यायालय ने 20 दिसंबर 2019 को फांसी की सजा सुनाई। सीरियल बम ब्लास्ट करने वाले 4 आरोपियों मोहम्मद सैफ और कैरियन, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सरवर आजमी उर्फ सैफुर रहमान 11 साल 7 महीने और 7 दिन बाद इन्हें फांसी की सजा दी गई। हालांकि आरोपियों को अदालत ने फांसी की सजा तो सुना दी, लेकिन उन्हें लटकाया जाना अभी बाकी है। शहरवासियों को आज भी न्याय का इंतजार है। अभियुक्तों को मिली सजा के खिलाफ उनकी अपील हाई कोर्ट में लंबित है। उनको फांसी की सजा हो गई है 4 आरोपी 11 साल 7 महीने बाद जयपुर में इंसाफ मिला तो 11 साल बाद। देखिए, सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था तब मिसेस सोनिया गांधी भी आई थी, हम सब साथ थे उनके। जो यहाँ मंजर देखा हम लोगों ने, करीब 70 लोग मारे गए थे उस जमाने के अंदर, और उसके बाद में 11 साल लग गए उसको पूरा जुडिशी में प्रोसेस करने में या निर्णय करने में। मैं समझता हूँ कि सही निर्णय हुआ है, इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए जो कि हिंसा पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मेरा हनुमान मंदिर के पास और अभियुक्त सरवर आजमी को चांदपोल हनुमान मंदिर के पास बम रखने का दोषी माना गया था और फांसी की सजा सुनाई थी। 4 अभियुक्तों के अलावा आरोपी साजिद बड़ा, मोहम्मद खालिद, शादाब फरार थे, जबकि मामले का सरगना मोहम्मद आतिफ और छोटा साजिद बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे जा चुके थे, जबकि आरिज उर्फ जुनैद, असदुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी और अहमद सिद्दी उर्फ यासीन भटकल जेल में बंद थे। राजधानी में सीरियल बम ब्लास्ट के 4 गुनहगारों को विशेष न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई। 13 मई 2008 को जयपुर में एक के बाद एक 8 बम ब्लास्ट करने वाले 4 आरोपियों को 11 साल 7 महीने और 7 दिन बाद फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन जयपुर पर हुए ये जख्म आज भी हरे हैं। जहां अमन और चैन की गंगा बहती है, वहां 13 मई 2008 को तबाही का ऐसा मंजर फैला था जिससे सबकी रूह कांप रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज।